आज मैं आपको पाइल्स यानी बवासीर की बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी देने जा रही हूँ। इस रेमेडी को आप करेंगे 3 बार, सिर्फ एक दिन में लेना है, आपको पहले दिन में ही पाइल्स में पूरी तरह से आराम मिलने लगेगा। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव सा चीज़ है। इस वीडियो को मैंने पहले भी आपको दिया है, लेकिन उसमें बिल्कुल अलग तरीका बताया गया है। आज जो मैं दे रही हूँ ये आपको बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा और आपको एक ही दिन में आपको इससे पूरी तरह से आराम मिलने लगेगा। ये जो पाइल्स की समस्या होती है बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होती है, क्योंकि इसमें जो भी सफ़र करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसका उठना बैठना चलना फिरना यहाँ तक कि खाना पीना हर कुछ हर चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें कॉन्स्टिपेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये पाइल्स की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो बहुत कष्टकारी होती है और उसमें मस्से भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये जो इफ़ेक्टिव सी आपको हम आज रेमेडी देने जा रहे हैं, इससे आपको एक ही दिन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। बस जिस तरह से बताया जा रहा है वो पूरा मेथड आप ध्यान से देखिए, उसी अनुसार आप इसे फॉलो करिए। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो ना आए तो आपको तुरंत ही आपको उसका अपडेट मिल जाए, यानी आपको नोटिफिकेशन मोबाइल पर मिल जाए। ये देखिए जो चीज़ है वो हम यूज़ करने जा रहे हैं, इसमें लेमन। लेमन और दूध का हम किस तरह से यूज़ करते हैं इसका वीडियो आपने कई बार देखा होगा और आपने इसे अप्लाई भी किया होगा। मेरे भी चैनल पे कमेंट्स आते हैं कि ये एक बार ठीक हो जाता है लेकिन फिर से दोबारा हो जाता है। आप जिस तरह से हम बताने जा रहे हैं इस तरह से आप करेंगे तो आपकी पाइल्स की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और आगे आप हम आपको कुछ बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको पाइल्स दोबारा ना हो। तो देखिए यहाँ पे एक गिलास आपको नॉर्मल दूध लेना है, यानी दूध को आप पहले उबाल लीजिए, बॉयल कर लीजिए, फिर आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, फिंगर से छूने पर आप लगे कि ये ठंडा दूध है, तब आपको इस दूध को यूज़ करना है। तो देखिए यूज़ कैसे करना है, इस ठंडे दूध में हम लेमन का किस तरह से यूज़ करेंगे। आपको हमने बताया है पहले भी कि लेमन जो होता है वो जब दूध में डालते हैं तो वो बटर मिल्क बन जाता है, लेकिन आपको बटर मिल्क नहीं बनाना है। बटर मिल्क बनने के प्रोसेस से पहले ही आपको इसे यूज़ करना है। लेकिन कैसे यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे हम बड़ा नींबू लिए हैं और एक छोटा नींबू। तो इस रेमेडी में आप एक बार में अगर छोटा नींबू यूज़ कर रहे हैं तो पूरा नींबू लेंगे, और इस तरह बड़ा नींबू ले रहे हैं तो आपको आधा नींबू यूज़ करना है। तो आपको इस रेमेडी को दिन भर यूज़ करना है, दिन में आपको इसे 3 बार यूज़ करना है। मॉर्निंग में सिर्फ जो बताएंगे किस तरह से लेना है, फिर आपको दोपहर में जब आप खाना खाते हैं उस समय आप आधे घंटे पहले लेना है, और रात के डिनर के आधे घंटे पहले लेना है, यानी दिन में आप इसे 3 बार यूज़ करेंगे। तो ये जो आधा नींबू देखे लिया है, बड़ा है तो इसमें रस ज़्यादा निकला है, तो इसको हम निकाल दे रहे हैं। जारे सारे जितने सीड्स हैं उसको आप निकाल दीजिए, फिर छन्नी से छान के आप इस तरह से जूस निकाल के तैयार करिए। ये जो जूस बना है ये 2 टेबल स्पून जूस है, यानी अगर बड़े चम्मच से नापेंगे तो 2 बड़े चम्मच ये जूस बन के तैयार हुआ है। और ये छोटा नींबू अगर आप पूरा यूज़ करेंगे तो आप इसमें भी 2 बड़े चम्मच आपको नींबू का रस मिलेगा। तो इस तरह से आपको 2 बड़े चम्मच आप किस तरह से यूज़ करेंगे, देखिए एक बार में आपको 1 बड़ा चम्मच यूज़ करना है। ये देखिए जिसे हम बोलते हैं 1 टेबल स्पून, वो 1 बड़ा चम्मच यूज़ करना है। लेकिन कैसे यूज़ करना है, अब ये 1 गिलास जो आपका दूध बना है आपको एक बार में नहीं पीना है, आपको इसी दूध को दिन में 3 बार पीना है। यानी एक बार इस तरह से बना दीजिए और ढक के रख लीजिए, आपको सुबह खाली पेट जब आप टॉयलेट फ्रेश होकर आते हैं उसके बाद आप पेट खाली रहता है उस टाइम पे आप लेंगे। तो देखिए कितना लेंगे, एक बार में आपको 6 बड़े चम्मच लेना है। तो यहाँ पे टेबल स्पून हमारे पास है, अगर आपके पास टेबल स्पून इस पर नहीं है बड़ा चम्मच तो आप जो छोटा चम्मच होता है उसको 2 बार नापेंगे तो 1 बड़ा चम्मच बनेगा। तो आपको इस तरह से देखिए हम 6 बड़े चम्मच ले रहे हैं, यानी 6 टेबल स्पून एक बार में आपको लेना है दूध को। ये देखिए हम किस तरह से आपको मेज़र करके बता रहे हैं, आप इस तरह से इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एक ही गिलास दूध आपको दिन भर यूज़ करना है, लेकिन इसे बार बार में 3 टाइम पे किस तरह से यूज़ करना। तो देखिए यहाँ से हम बड़ा टेबल स्पून है तो इससे हम 6 चम्मच ले रहे हैं, छोटे चम्मच से अगर आप लेते हैं तो इसका डबल यानी 12 चम्मच आप इस तरह से नाप के लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा हो गया। अब हम इसमें जो लेमन है वो इसको डालेंगे 1 टेबल स्पून, यानी 6 बड़े चम्मच दूध में 1 चम्मच इस तरह से दूध डालना है। इस तरह से डालेंगे, अगर आपने थोड़ी देर इसको रोक दिया तो ये तुरंत फट जाएगा और बटर मिल्क बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने डाला आपको बिल्कुल चलाना नहीं है, तुरंत आप इसे खटाखट पी जाएंगे। अब पी लेंगे उस समय आप दूध बिल्कुल नहीं फटेगा, अगर आपने इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए और फिर आप कुछ करने लगे तो ये दूध तुरंत फट जाएगा और ये आपका बन जाएगा बटर मिल्क। लेकिन बटर मिल्क बनने से पहले ही आप इस रेमेडी को लेंगे
ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये पाइल्स की पूरी समस्याओं को दूर करता है, क्योंकि जो पाइल्स में नसें सूज जाती हैं अंदर से, ये उन सारी नसों को ये क्या नॉर्मल पोजीशन पर लाने का काम करता है। बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ है लेमन मिल्क वाली। लेकिन इसको हम किस तरह से बता रहे हैं, इसी तरह से आप दिन में 3 बार लेंगे, सुबह खाली पेट और जब दोपहर आपको खाना खाना होता है तो खाना खाने के आधे घंटे पहले उस समय आप लेंगे। इसी तरह से 1 बड़ा चम्मच लेमन का जूस डालेंगे और 6 बड़े चम्मच दूध लेंगे। यानी इस दूध को आप 1 गिलास नापिए, उसको 3 हिस्से में बराबर बराबर नाप के रख लीजिए। यानी एक हिस्सा एक बार में, दूसरा हिस्सा आपको दोपहर में, तीसरा हिस्सा आपको रात में खाना खाने से पहले। तो 1 ही गिलास आपको पूरा दिन में यूज़ करना है। बार बार दूध नहीं, दूध को एक बार उबाल लीजिए, फिर नॉर्मल करके आप रूम में कहीं भी इसको ढक के रख देंगे, नॉर्मल पोजीशन पे ये रहेगा। तो इस तरह से देखिए ये हो गया। अब इसी तरह से आपको 3 बार आपको इसका सेवन करना है। आप इस तरह से एक बार करके देखिए, आप देखेंगे आपकी जो पाइल्स की समस्या पहले दिन में ही आपको इससे बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट मिलेगा। अगर आपको आराम मिलने लगता है पहले दिन, तो आप इसे दूसरे दिन भी ऐसे ही इसका यूज़ करिए। और 3 दिन अगर आपने कर लिया है तो परमानेंट आपका जो पाइल्स की समस्या है अंदर से भी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी आपकी, और बाहर से जो मस्से हैं वो भी सूख के ख़त्म हो जाएंगे। और आपको क्या क्या परहेज करना है ये भी हम वीडियो में बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए हम छोटे चम्मच से आपको नाप के दिखा रहे हैं, बड़ा जो टेबल स्पून था 1 था, और इस छोटे चम्मच से जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं उससे 2 चम्मच आएगा। तो आप इस तरह से अंदाज के कर सकते हैं, और इसी मेज़रमेंट के हिसाब से आप 3 बार करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट मिलेगा। ये कई पेशेंटों पे इसका उपचार किया गया है, उन्हें बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिला है। आप इस तरह से करिए, इसका आपको बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट मिलेगा। तो लेमन और इसका जो हमने जो बताया था पहले भी रेमेडी, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव था, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं जिससे कई लोग ठीक भी हो गए हैं। लेकिन ठीक होने के लिए परमानेंटली आपको खाने पीने का बहुत ज़्यादा परहेज करना होता है, क्योंकि इसमें जो कब्ज की समस्या होती यही सबसे ज़्यादा दिक्कत की होती है। तो आपको जो मस्से हो जाते हैं उसके लिए आपको हमने कई वीडियो में बताया है कि जो कैस्टर ऑयल होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप कैस्टर ऑयल दिन भर में 3 से 4 बार मस्सों पर लगाते हैं, इस तरह से कॉटन में ले लीजिए और कैस्टर ऑयल इस पर लगा दीजिए और फिर इसे मस्सों पर अप्लाई करिए। गुनगुने पानी में टब में आप पानी ले लीजिए, उसमें कैस्टर ऑयल 2 ढक्कन डालिए यानी 10 ml के करीब, और उस पानी को गुनगुने पानी से सिकाई करिए। फिर यही कैस्टर ऑयल आप मस्सों पे लगाइए दिन भर में 3 से 4 बार। अगर आप इस तरह से करते हैं तो मस्से अपने आप धीरे धीरे सूख के नॉर्मल पोजीशन पे आके और बिल्कुल ख़त्म होने लगेंगे। तो आप इस तरह से मस्सों को दूर करने के लिए कैस्टर ऑयल ज़रूर यूज़ करिए, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है दूर करता है, और ये मस्सों वगैरह को तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। आप इसे ज़रूर अप्लाई करिए, सिकाई करने में भी ये तेल डालिए और अप्लाई करने में भी। हमने आपको कपूर हल्दी वाली भी बताया, उसमें कैस्टर ऑयल डाल के आप उस रेमेडी को भी ट्राई करिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से आप लेमन वाली जो ये रेमेडी बताई है इसको आप करिए, और साथ साथ सिकाई जरूर करिएगा अगर आप मस्सों से परेशान हैं। ये रेमेडी जो है वादी बवासीर या तो फिर ब्लड आने वाली बवासीर, दोनों में इस ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आप दोनों में कर सकते हैं। और जो वादी बवासीर वाले पेशेंट हैं वो कैस्टर ऑयल ज़रूर यूज़ किया करें। कैस्टर ऑयल लगाने से खुजलाहट, जलन, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और मस्सों के लिए जो हमने बताया है सिकाई अगर आप करते हैं तो आप इसे 100% मस्सों से आपको पूरी तरह से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है ये कैस्टर ऑयल, और ये रेमेडी आप करिए और साथ साथ इस जो सिकाई बताया है कैस्टर ऑयल के साथ आप करिए, आपकी पूरी पाइल्स की समस्या ठीक हो जाएगी। आप ये इसको करके देखेंगे, आपको खुद ही लगने लगेगा कि हाँ बहुत इफ़ेक्टिव है। पहले दिन से ही आपको इसका आराम फील होने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा आराम लगेगा। फिर आप इसे जैसे हमने बताया है उसी तरह से आप करिएगा। तो बस आप इस तरह से अप्लाई करिए, और फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला, क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ है। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि खाने पीने का कैसे ध्यान देना है। खाने पीने के लिए बार बार बोला जाता है फाइबर से रिच फूड खाइए। फाइबर से रिच फूड क्यों खाना चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए, जो अगर हम पाइल्स की पेशेंट हैं तो पाइल्स में क्या खाना चाहिए। आपको साबुत अनाज खाना चाहिए। साबुत अनाज में ब्राउन राइस आता है, ओट्स आता है, होल व्हीट्स होते हैं, ये सारी चीज़ खाएंगे। इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। बीन्स है, ये अलसी का बीज आपको बहुत इफ़ेक्टिव है। ये अलसी के बीज अपने आटों में जब रोटी बनाते हैं उसमें डालिए, दाल में डाल के खाइए, इसमें भी फाइबर रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाना चाहिए। बवासीर के जो रोगी होते हैं उनको गोभी, ब्रोंकली है, गाजर है, फूल गोभी, टमाटर, इन सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है। फाइबर का जो काम है हमने एक वीडियो में दिया है कि फाइबर कैसे इफेक्टिव होता है, क्यों पाइल्स के पेशेंटों को बार बार बोला जाता है कि
कि फाइबर से रिच फूड खाइए, क्योंकि जो फाइबर होता है ये कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को दूर करता है। ये जितने भी हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं या एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, टॉक्सिकेंट होते हैं, अनवांटेड चीज़ होते हैं, उनको ये इकट्ठा खींचता हुआ पूरा डाइजेशन सिस्टम हमारा ये बूस्ट करता है, खींचता हुआ स्टूल को ये मुलायम करने का काम करता है, जिससे पूरा डाइजेशन हमारा फिट हो जाता है और स्टूल बहुत ईजिली पास आउट होते हैं। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि फाइबर से रिच खाना खाइए। और फाइबर से रिच जो फूड होते हैं, आपको फल और फल के जूस का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यानी अगर आप पेशेंट हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि दिन भर आप लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए। ये जो दाल चावल रोटी सब्जी है ये आप खाइए, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में खाइए, उसकी जगह पे आप लिक्विड डाइट लीजिए। अनार है, पपीता है, अमरूद है, ये सारे फल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन बीमारियों के लिए। आपको इन फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं आप उनका जूस बना के पिया करिए। यानी दिन भर ये कोशिश किया करिए कि आपको लिक्विड डाइट जो भी आप खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में हो, जिससे आपको कब्ज की समस्या ना रहे। जब कब्ज की समस्या आपकी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी तो आपकी पाइल्स की समस्या भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और इस रेमेडी को करने के बाद अगर फिट हो जाते हैं आप, तो आप इतने दिनचर्या में ये सारी चीज़ लाइए कि आपको पत्तेदार सब्जियां खानी है, फलों और सब्जियों का जूस आपको पीना है। ये सारे चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। फलों का रस पीजिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सूजन और दर्द को भी कम कर देता है। इसलिए आपको ये जूस और ये फल के जूस इसीलिए बोला जाता है पीने के लिए, कि अंदर से जो नसें होती हैं उनको ये हील करने का काम करता है। यानी उनको जो सिकाई करने का काम करता है, अंदर से उन घावों को, उन जो नसों में सूजन होती है उनको ये दूर करता है। तो आप इस तरह से ये जितनी भी लिक्विड डाइट है उन्हें लीजिए। हर्बल टी आपको पीना बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हर्बल टी पीने से भी जो सूजन होते हैं, अम्बल में जो हार्डनेस होता है उनको ये सॉफ्ट करता है। यानी आपकी जो कॉन्स्टिपेशन के लिए स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो आप हर्बल टी पीजिए, दूध की चाय पीने के बजाय आप इस तरह से ग्रीन टी पीजिए। और ये जो मसाले वाली चाय बनाते हैं अदरक की, इस तरह से आप पीजिए। हल्का अदरक डाल के, ज़्यादा अदरक डाल के ना पीजिए। तो आप इस तरह से हर्बल टी पीने की कोशिश करिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। पानी पीने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा। यानी आपकी जो छोटी आँत और बड़ी आँत होती हैं उसमें खुश्की आ जाने की वजह से, सूखा हो जाने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। इसलिए पानी है, छाछ है, तो जैसे मैंने बताया है, फलों का जूस है, इस तरह से लिक्विड डाइट जरूर लीजिए। और मसों के लिए सिकाई सबसे ज़्यादा मस्ट है। अगर आप मसों से बहुत परेशान हैं तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर सिकाई पे ध्यान दीजिए। मार्केट में इस तरह से ईजिली जेल बैग भी आते हैं, जिसमें आपको बार बार पानी गर्माना नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से इससे भी सिकाई कर सकते हैं। और कैस्टर ऑयल ज़रूर लगाइए, सिकाई करने के बाद कैस्टर ऑयल आप लगाइए। और अपनी लाइफ स्टाइल को ज़रूर चेंज करिए। लाइफ स्टाइल को चेंज करने का मतलब ये है कि आप अपने शरीर को फिट करने के लिए थोड़ा सा योगा, प्राणायाम ये ज़रूर करें। और ये बहुत ज़रूरी है अपनी जीवन शैली में चेंज करना, क्योंकि जो प्राणायाम में कपालभाति और अनुलोम विलोम होता है, ये पाइल्स के पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसे 15 मिनट आप ज़रूर करिए, जिससे आपकी बीमारी जड़ से दूर हो। अब खाना क्या नहीं चाहिए, आप बार बार कई वीडियोस देख चुके हैं हमें क्या नहीं खाना चाहिए। आपको पता है बहुत ज़्यादा तले भुने चीज़ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये कब्ज की समस्या को बढ़ाता है। कब्ज अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपकी जो पाइल्स की समस्या है ये कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। चाहे आप कितनी भी इफ़ेक्टिव दवा लेंगे तुरंत ठीक होगी, लेकिन फिर से दोबारा से बीमारी हो जाएगी। तो ऐसा होता है, कई पेशेंट बोलते हैं कि हमने ऑपरेशन कराया उसके बाद फिर से पाइल्स की समस्या होगी। उसका यही कारण है कि एक बार आप फिट हो जाते हैं तो फिर से वही सारी चीज़, मैदे से बनी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सारी चीज़ जो खाते हैं मार्केट वाली, यही कब्ज बढ़ाने लगता है। और पाइल्स के पेशेंटों को कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए आपको इस तरह से सफ़ेद ब्रेड है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कॉफ़ी जो होता है स्टूल्स को हार्ड करने का काम करता है, यानी डिहाइड्रेट करने का काम करता है। हमारे जो पेट में नमी बनी रहती है उसको सुखा देता है। इसलिए कॉफ़ी, ब्रेड, सफ़ेद ब्रेड नहीं खाना चाहिए। आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, गेहूं के आटे का बना। आप ये सारी चीज़ करके देखेंगे, आप देखेंगे जो आपके आँतों में खुश्की है इतने सालों से बनी हुई है, जिसकी वजह से हार्ड हो गए स्टूल, वो धीरे धीरे आपकी बीमारी ठीक होने लगेगी और आपका पूरा डाइजेशन बिल्कुल मजबूत होने लगेगा। तो अपने डाइजेशन को फिट करिए। आप सबसे पहले कब्ज की समस्या को दूर करिए। इस रेमेडी को करते हैं तो आप ठीक तो तुरंत हो जाएंगे, ये तो पूरी 100% गारंटी है कि आप इस रेमेडी से बिल्कुल फिट हो जाएंगे। लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए फिट होना है तो ये सारे जितने इंस्ट्रक्शन हमने आपको बताए हैं इसे ज़रूर फॉलो करिए, जिससे आपको दोबारा इस इतनी बड़ी बीमारी से आपको कभी भी सामना ना करना पड़े। तो पूरी तरह से लाइफ के लिए
पूरी जीवन आप इस तरह से फिट रहना चाहते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए, अपने लाइफ स्टाइल चेंज करिए, खाने पीने का ध्यान दीजिए और इसे आपको हमेशा करना है जिससे आपको ये बीमारी दोबारा ना हो। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तुरंत मोबाइल पर आ जाए कोई नई वीडियो आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।